ए रोतड़ी व्लॉग में रोते हुए दिखाऊंगा। चीनू बहुत एक नंबर की रोतड़ी है चीनू। मुझे भी जाना मम्मा। तो अब हाउसफुल हो गया और ये देखो वही पर्दे में लपेट के रो रही है। देख देख मैंने ये दा मम्मी बन गई है। देखो दा मम्मी तेरा पेपर है कल तो हिंदी का पेपर नहीं होता। काश मेरी कोई नौकरी लग जाती, कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाता फिर सरकारी नौकरी होने के बाद। रिश्ते ही नहीं आते, कह देते हैं लड़का कुछ कमा धमा नहीं रहा, ऐसे घूमता रहता है फुकरेबाजी में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं मेरे घर पे, सिब्बू भी जा रही है मेरे साथ और इंस्टा को भी लेके जा रहे हैं हम। चले इंस्टा, चलो आ जाओ इंस्टा, आ जाओ बाहर चलेंगे। ए है बाहर के नाम पे देख कैसे कान खड़े करके भाग के आ जाता है। तो गाइज अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग भी घर निकलेंगे, देखते हैं घर पे कौन कौन है। मम्मी तो है ही शायद, देखते चीनू स्वाति पापा कौन कौन है घर पे और देखते हैं कि आज क्या क्या फन और मस्ती करेंगे। इंस्टा जब लास्ट टाइम घर पे गया था ना तो इसको हमने मोटर से नहलाया था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, है ना इंस्टा, है ना। बाकी गाइस मैं नहाया नहीं हूँ, मैं अपने कपड़े वपड़े रख लूंगा घर जाके ही नहा लूंगा। और सिब्बू तू भी नहा लियो, अगर कपड़े वपड़े रख ले घर जाके ही नहा लियो। तो सिब्बू भी चलो कपड़े रख रही है, ये भी घर जाके ही नहा लेगी। इंस्टा को भी नहलाएंगे हम घर जाने के बाद। इसका शैम्पू लेना है क्या? अच्छा उसी से, हेड एंड शोल्डर वगैरह जो भी उसी से। चलो ठीक है इंस्टा, आज तो तू नहीं नहीं करेगा घर पे जाके। गाइस देखना अभी इंस्टा शांत बैठा हुआ है ना, आप लोगों को एक जादू दिखाती हूँ। उसको अच्छे से पहचान है कि मेरा ना वो ब्लू वाला बैग है। जैसे ही मैं अपना ब्लू वाला बैग उठाऊंगी ना इसको लग जाएगा ये जा रही है। देखना कैसे उठ के खड़ा रहेगा, तुम थोड़ा दूर चले जाओ, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। इंस्टा इधर आ, मैं अकेले जाऊंगी। चप्पल, ये चप्पल नहीं पहन के जाऊंगी मैं, चप्पल लेके भाग गया। एक बार सामान रख ले चलते हैं, लेट हो जाएंगे। मैं तो मजाक कर रही थी। तो गाइस वी आर ऑल सेट घर निकलने के लिए। गर्मी भाई बहुत तेज हो रही है और इंस्टा तो अंदर बैठ चुका है आराम से। ये देखो हेलो इंस्टा, और सिब्बू भी बैठ चुकी है। तो गाइस हम लोग घर बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। मुझे देख रहा है, मैंने मास्क लगा लिया ना। इंस्टू। चलो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? नहीं जा रहा हूँ भारत के पास, तुम्हारी चुगलियां करूंगी मैं बैठ के। वो तो तेरी आदत है, तेरे अपना ब्लॉग चैनल इसलिए खोल रखा है रचित की चुगली चैनल। ऐसे ऐसे आंटी इसको बोलो ना, ये घर के जो बनाते हो खा लिया करे, घर पे नहीं खाता। खाता अब हम क्या खाना खाया नहीं, वहाँ जाके क्या खाएगा। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, आ रहा हूँ। तेरे बता दू सारी, बता के जा फिर। तो बता के जानी चाहिए, बता तो दिया। हाँ तो ऐसे क्यों बोल रही है, बोल दे कि मिलने जा रहा हूँ भाई, मैं कई दिन में घर आया हूँ। हाँ तो बता तो दिया और क्या तो बताऊँ, खुद से भी आइडिया लगा लेना चाहिए। ये बोलना अच्छा नहीं लगता ना, कि ऐसे बता के जाऊँ ये सही नहीं लगता। मैं आइसक्रीम लेते हैं, ठीक है? इतने प्यार से बोलना चाहिए, ठीक है? ओके बाय इंस्टा, बाय इंस्टा, बाय। ये साथ जाएगा, तू साथ जाएगा? नहीं मैं नहीं जा रहा इंस्टा, यही हूँ मैं, बाय इंस्टा। तो गाइस ये देखो यहाँ पे एक्सयूवी खड़ी हुई है, यहाँ पे एक्सेंट ये स्कूटी और बुलेट पापा ले गए, और स्वाति की स्कूटी स्वाति कॉलेज ले गई। अभी एक दो गाड़ी और लेके आएंगे, नहीं एक यहाँ आ जाएगी एक वहाँ आ जाएगी, अगर फिर भी कम पड़ी तो घर के बाहर लगा देंगे। चलो अभी तो मैं एक्सयूवी लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, एक उसको अंदर कर दिया इंस्टा को, कभी वो भाग जाए बाहर। देखो गाइस वो रहा इंस्टा, जाली में से झांक रहा है इंस्टा। गाइस मैं निकल गया हूँ घर से और चीनू ने देखो कैसे गेट बंद कर लिया मेरे मुंह पे, वाह। गली में से ऐसी पैक करके ले जानी पड़ेगी पूरी, बट 360 वाला अभी मेरे को काम बढ़िया दे देता है, तो चलो अभी चलते हैं। गाइस अभी आ गया हूँ भारत के घर पे, और थोड़ा उक्का उक्का भारत घर पे नहीं प्लॉट पे, प्लॉट पे यहाँ उक्का पर रखा भाई इसने, मैं तो पीता नहीं हूँ भारत ले लेता थोड़ा सा। अरे कोई ना उक्का ही तो है, क्या दिक्कत है ले, मैं पीता थोड़ी हूँ भाई। ये किस लिए रख रखा है फिर? अरे ये दोस्त पी रहे थे वो अभी अभी गए हैं। अरे ऐसे तो कुछ नहीं ले, वैसे तो मैं ट्राई कर लूंगा पर मैं पीता नहीं ना रेगुलर, तो मेरे खांसी आ जाती है ऐसे।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नजफगढ़ कुछ खाने के लिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तूने खाया भाई कुछ? सुबह यार शेक पिया था बस, मेरी तो तबीयत खराब है तुम्हें पता है। तो अभी चलो देखते हैं क्या अच्छा सा कुछ खाएंगे, उसके बाद का प्लान उसके बाद पता लगेगा। अभी चलते हैं नजफगढ़। तो गाइस अभी हम आए हैं हेमंत के क्लिनिक पे। ये है भाई देख लो हेमंत का क्लिनिक, फिजियोथेरेपिस्ट का। और भाई एड्रेस भी देख लो, कभी किसी को आना हो तो आ जाना। एड्रेस कहाँ इसका? ये रहा ना एड्रेस, ये है भाई एड्रेस देख लो, मेन नांगलोई नजफगढ़ रोड पे, कभी आ जाना। और ये क्लिनिक है भाई, अभी हेमंत से मिलने जा रहे हैं। ओहो ये रहा, ये देखो भाई डॉक्टर, क्या हाल है, कौन है, किसकी ट्रीटमेंट चल रही है अभी फिलहाल? तो आया हूँ। तो भाई ये देखो, ये इसके बेड्स हैं, यहाँ पे मरीज वरीज सही होते हैं। ये क्या, इसे ये कौन सा एरिया भाई? ये रिहैब का एरिया है, जिसमें जो न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, तो मैं मिरर में देख के उनको एक लाइन में चलवाना, किस तरह से जो ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा बीमार वो सब करना, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आई है, शोल्डर वीन्स वगैरह। तो भाई देख लो, ये स्कूल में पढ़ाई के मामले में ऐसा था, ये बिल्कुल नालायक, बिल्कुल रद्दी स्टूडेंट था ये स्कूल में, और अभी देख लो भाई डॉक्टर बन गया है। भाई जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। भाई 12th के बोर्ड एग्जाम में इसका रोल नंबर मेरे से आगे था, मैंने अपनी शीट पास कर करके इसको पास करवाया पेपरों में, और आज ही डॉक्टर बन गया। और हम अब आज तक कुछ भी नहीं बने, हम ऐसे ही आंड रहे हैं, टपरी मारते आंड रहे इधर उधर। भाई काश तेज जगह मैं हो जाता, काश मेरी कोई नौकरी लग जाती, कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाता फिर सरकारी नौकरी होने के बाद। रिश्ते ही नहीं आते, कह देते हैं लड़का कुछ कमा धमा नहीं रहा, ऐसे ही घूमता रहता है फुकरेबाजी में। दोस्तों ये बंदा मेरे को मोमोस खिलाने के लिए जटिकरा लेके आता है। ओ झटका झटका दिया जटिकरा पे इसने, जटिकरा रोड, ये देखो भाई जटिकरा रोड। तो इसलिए मैंने कहा इसको आज एक मोमोज खिला के लाता हूँ, जो मैं काफी टाइम से खा रहा हूँ और जो बहुत अच्छे मोमोज है, तो मैं आज इसको टेस्ट कराने लाया हूँ। तो चलो गाइस अब देखते हैं कि इतनी दूर जो हम आए हैं वर्थ इट रहेगा या नहीं। जटिकरा हमारे घर से लगा लो कम से कम भी 20 किलोमीटर तो होगा भाई, 23-24 किलोमीटर, 23-24 किलोमीटर दूर हम अपने घर से आए हैं मोमोज खाने के लिए। और फिर आई होप ओरियो मोमोज ना हो, ओरियो मोमोज या फिर फेंटा मोमोज ना निकले। तो चलो यार देखते हैं कि 24-25 किलोमीटर दूर आगे मोमोज खाना वर्थ इट है या नहीं। मतलब इतनी दूर आ गए हम, यहाँ से इस साइड गुड़गांव का रास्ता है, ये गुड़गांव का बैक साइड ही पड़ रहा है, ये सुन के गुड़गांव आ गए, गुड़गांव आ गए हम। हाँ, मतलब गुड़गांव यहाँ से 2-3 किलोमीटर किलोमीटर मैक्स। अच्छा ये जटिकरा विलेज है गाइस, जटिकरा गांव में बॉर्डर है, हाँ दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर हो गया एक टाइप से। ये जटिकरा गांव पर दिल्ली में पड़ता है। ये भाई जटिकरा के खेत देख लो, कुछ नहीं बुरा अभी तो यहाँ पे। वो भाई सामने भीड़ देख रहे हो, वो है मोमोज वाला अपना। अच्छा वो गाड़िया वाड़िया खड़ी ना, हाँ वहीं पे। तो अभी ट्राई करते हैं वहाँ के मोमोज। चलो जी। तो भाई हम अभी जटिकरा से आ रहे मोमोज खा गए। भाई सच बताऊं तो भारत मुझे तो वर्थ इट नहीं लगे इतने कुछ ज्यादा। ओके ओके थे, बाकी तेरा पता नहीं भाई। अरे ठीक है यार, आसपास से फिर और ज्यादा दूर जाना पड़ता, आसपास के हिसाब से तो ठीक ही थे। आसपास के हिसाब से भी 25 किलोमीटर दूर आसपास 25 किलोमीटर है, बाकी इस गांव में इधर मिलता नहीं है ना ज्यादा कुछ, इसलिए वहीं जाना पड़ता है। मतलब हमें यहाँ जाना पड़ता तो नीलवाड़ वालों को कहाँ जाना पड़ता होगा फिर? उनको पता नहीं कहाँ जाना, वहाँ पे शायद खाते ही ना हो। भाई मतलब ठीक था टेस्ट पर, ओके ओके था मतलब, पर वही है यार किसी की जीभ का स्वाद होता है, किसी का कहीं बैठता किसी का कहीं बैठता। नहीं आज उसने बना भी कुछ ज्यादा स्टफ रखे थे। कौन आया, कौन आ गया, कौन आया घर पे, जा देख कौन आया। खेलने की बोल रहा है कि खेल रहा है इंस्टा, आ जा इंस्टा खेल रहा है भाई पापा के साथ। ये रख दे कह रहा पोचा मारो। इंस्टा कौन आया, इंस्टा कौन आया, जा 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 इंस्टा जा। चीनू आज तो कैंप पिएगी, ये अब नहीं पी रही, बाद में जो फ्रिज में है ना जितने भी वो तब खाली मिलेगी। नहीं नहीं पीऊ मैं। तेरे को नहीं पी रही ना, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीती है? नहीं पीती। तू नहीं पी रही? पी रही है। तू नहीं पी रहा भाई? बहुत पी ली कई दिन से कोल्ड ड्रिंक, मन नहीं कर रहा। तो भाई मम्मी ने भी यहाँ पे जोत लगा दी, पापा नहा रहे हैं बाथरूम में और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कानू आराम से बैठे हैं और ये सब इंस्टा के साथ खेल रहे हैं अभी। और अभी मैं मूवी बुक कर देता हूँ, इंस्टा का डिनर करने का टाइम हो गया। इंस्टा डिनर कर रहा है, ये देखो क्या दिया डिनर में इसे, इसको दिया है छाछ और रोटी। और अभी मैं टिकट बुक कर रहा हूँ इसके लिए, पता है स्पेशल मंगवाई है, लस्सी खत्म हो गई थी रजत के लिए।
सारी गाड़िया स्कूटी आ गई है, स्वाति भी आ गई है कॉलेज से, पापा भी आ गए हैं, पापा नहा रहे हैं, वो चीनू की स्कूटी है और ये ये सिब्बू की सवारी, ये मेरे ऊपर चढ़ के घूमता है, मैं उसकी सवारी, ये इंस्टा की सवारी। क्या क्या दही भी जमा दूं फिर लेकर जाएंगे हम? भाई ये मेरी लस्सी आ गई, अभी मैं लस्सी पीऊंगा छोटा सा, थोड़ी बहुत। ये क्या फेंका, मेरे को लगा छिपकली आ गई, इतनी मोटी छिपकली मुझे भी लगा। तो गाइस हम लोगों ने अपनी टिकट बुक कर ली है और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तू तू थोड़ी जा रही है, पेपर है कल, तेरा पेपर है कल, हिंदी का ही तो है बस। तो हिंदी का पेपर नहीं होता तो हिंदी में कोई याद करता है? हिंदी हिंदी आती अच्छे से? ऑटोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपने आप। मैं बताऊं? अपने आप मैं बताऊं? हाँ, स्वचालित बोलते हैं अपने आप। ये नहीं जा रही, इसको क्यों रेडी कर लिया? तू और इंस्टा यहीं रहेंगे, तू इसका ध्यान रखियो। सच में तू नहीं, तेरे को नहीं चलना, पेपर है तेरा सुबह। मैं चीनू रुक जाते हैं, अब तो रुक जाएगी? नहीं आप रुको, मैं रुकूं। चीनू भी और भी नहीं जा रही, स्वाति फिर रुक जाए? नहीं गिर, मैं जाऊंगी, तुम सारे रुक जाओ, मैं तो जाऊंगी, देख रहे हो? अरे इसको क्यों तैयार कर लिया है? हिंदी का पेपर और चैप्टर सारे पढ़ रखे, चैप्टर ही तो पढ़ने होते बस। तेरे को इंग्लिश की ऐसे कमेंट करते हैं लोग, आंटी जी आप इसको बहुत अंडाते हैं, उसके पेपर है। झूठ मत बोलो, पढ़ लिए। झूठ झूठ बोल रही है मम्मी, झूठ बोल रही है मम्मी, तो झूठ ही बोल रही है। इंस्टा इंस्टा पढ़ ले, इसको पढ़ ले, चीनू को, येरी चीनू येरी ऐसे तो ये भी नहीं रोता। तू और इंस्टा यही रहेंगे तो इंस्टा का ध्यान रखेगी। हम सब लोग जा रहे हैं, मैं स्वाति सिब्बू पापा और मम्मी। टिकट बुक हो चुकी है ओनली 5 पीपल्स की, ठीक है? भूल भुलैया की भूतनी, भूल भुलैया की भूतनी लग रही है। मुझे भी जाना है मम्मा। तो अब हाउसफुल हो गया और 5 जनों की टिकट बुक हो चुकी है, उसमें सीट भी नहीं है, तेरे दूसरे थिएटर में कर दे, वहां के लिए बैठ लिया। अभी आ गया इसके आंखों में पानी, तो टिकट बुक अगर ये रो गई तो मेरी जगह इसको ले जाना, अगर नहीं रोई तो मैं ही जाऊंगी, पर दल लटक के झूल के रोएगी तो मैं ही जाऊंगी। फिर कसम से मैं तो जा रही हूँ, इंस्टा की कसम मैं तो जा रही हूँ, अब बताओ। अब बताओ ये देखो वही पर्दे में लपेट के रो रही है। देख देख मैंने ये दा मम्मी बन गई है, देखो दा मम्मी क्रूसीफाइड हो गई, नहीं क्रूसीफाइड नहीं मम्मी फाइड हो गई। नहीं खोल रही पूरी, खोल ना इसे, निकाल बाहर, निकाल ले इसको। इंस्टा ये कौन है? व्लॉग में रोते हुए दिखाऊंगा, चीनू बहुत एक नंबर की रोतड़ी है चीनू। मुंह तो दिखाओ, इसका मुंह तो छुपाई दिया है ना, दिख रही है। रुको रुको रुको, आप देखो देखो देखो, रुच दिखाओ दिखाओ, रुच दिखाओ। ये नहीं जा रही, इसको क्यों हंस रही है या रो रही है? मम्मा देखो दिवाली हो रही है, देख इसको यहीं बिठा, इसका पेपर है सुबह से, तो पेपर है बेटा इसका सुबह। मम्मा मेरे को सारा आता है, सुना पहले सारा, रचित की तरह, रचित की तरह सारा सुना, जैसे ये किताब खोल के मेरे को दुखी करता था, कहीं से भी सुनूं इसको सारा पता होती थी, बस सात ही चैप्टर है और मुझे सारा आता एक भी सुन ले बीच में से, अगर इसने सुनाया तो ठीक है, वरना चैप्टर में तो कुछ भी पूछ ले। मैंने तो तेरे से हिंदी पूछी थी, वही नहीं पूछी, वही नहीं बताएगी, पेपर में पता तो होना चाहिए। अरे तू बेसिक है ना, हमारे स्कूल वाले सिखाते ही नहीं, स्कूल वाले नहीं सिखाते तो तेरी गलती है, तेरे को खुद से सीखना चाहिए। फोन में गेम खेलना तो खुद से सीखी है, स्कूल वालों ने सिखाया था? मैं नहीं खेलती, रात रात को फ्री फायर खेलती थी जब पेपर देना पहुंचते। एक दिन मैंने पकड़ लिया, एक दिन के बाद से ऊपर ही नहीं गई, नीचे आके पढ़ने लगी। पर्दा खा ले, इंस्टा बन जा, इंस्टा के टोरी में पानी दूं, ऐसा नहीं करते, कितने शरीफ
इंस्टा तो सही बैठा है बिल्कुल। देख रहा है हो क्या रहा है, ये तो मेरे से भी ज्यादा जिद्दी है। इंस्टा के कटोरे में पानी लाऊं पिएगी? मेरा एग्जाम थोड़ी है। आ जा इंस्टा हम चलेंगे, आ जा आ जा इंस्टा। सच में रो रही है, देखो देखो ए रोतड़ी। ट्रक धक्का मार रहा है ट्रक। इस चीनों ने धक्का मारा, दोनों गिरते भैया भी और से भू भैया भी। मैंने पकड़ लिया। चल इंस्टा हम चलेंगे, बाहर चलेंगे, चल बाहर चलेंगे, आजा। लेके जा रहा हूँ ना, अब नहीं जाना तो चुप हो जा, चुप, सिट 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 सिट। जंप 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 जंप। ये साथ साथ घूम रहा है। चीनो हाई फाइव। जंप। वो तो फेंक इसके आगे वो रस का टुकड़ा। भाई ये चीनू इतनी रोने लग गई इसकी भी, फिर हमने टिकट बुक हमने पहले ही कर रखी थी, लेकिन हम देख रहे थे क्या करे क्या नहीं, बहुत रोने लगी, तो इसको भी हम साथ लेके जा रहे हैं। सारे तैयार हो गए और अभी निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए। रेडी? पापा ने वही कपड़े डाले जो बर्थडे पे दिलवाए थे। चेन भी है? चेन कहाँ है? क्यों कभी कभार क्यों, डेली क्यों नहीं? और घड़ी? घड़ी है तो चेन भी डाला करो ना डेली। चेन क्यों नहीं डालते डेली? हाँ क्या मम्मी नहीं देती है? देख राम कमाल कर दिया भाई, देखना। दे तो फिर कहाँ है उसका? मैंने लॉक भी ठीक करवाया तो फिर भी नहीं डाली। निकल गई थी दो तीन बार लॉक, तो ये बोलो ना वहाँ निकली थी, मम्मी ने नहीं दी। चलो भाई चलो, मेरी चुन्नी थी भाई। इंस्टा को पता लग गया कहीं जा रहे हैं। इंस्टा के बेचैनी हो रही है। जंप चिनू जंप, जंप लेके नहीं जाएंगे, जंप कर। मेरी टिकट बुक है। कोई नहीं कैंसिल हो जाती है, ऐसे भी रिटर्न हो जाते हैं। इंस्टा जंप ऐसे करता है। इंस्टा वही मेरी चुन्नी कहाँ फेंकती ऐसी? इंस्टा जंप जंप चिनू जंप, इंस्टा जंप। देखो ऐसे करना है, जंप 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 ऐसे मारता है पंजे। जंप कर तू, जंप कर ऐसे जंप कूद। मुझे नहीं आता। तो गाइस हम लोग रेडी है निकलने के लिए, सारे जा रहे मूवी देखने के लिए। शीशा पकड़ के रो जाएगा। व्हाट इज दिस? ऐसे ही है ये? नहीं था पहले, लेकिन पहले नहीं था, ऐसे ही था पहले, तुमने देखा नहीं था। चलो बैठ लो, क्यों लेट कर रहे हो? गेट खोलो पीछे का और बैठ। सिबू बैठ, जिसका जाजी करे बैठ जाओ। मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूँ भाई, मेरे को तो गाड़ी चलानी है। मैं इस पे बैठ जाऊं? आगे बैठ जाऊं? इस पे आ जाएगी तो इस पे बैठ जाओ। आ जाओ आगे अंकल को, क्योंकि हम पतले हैं, आंटी थोड़ी मोटी हैं। अंकल से नन्ना देख लो आपको क्या बोल रही है। पर मैं पतली नहीं होने वाली, ठीक है? मैं जैसी वैसी। चलो तुम बैठो, एक को पीछे बैठना पड़ेगा। आगे बैठ जाओ, तू बैठ जा पीछे। बोलो भैया। तो अभी हम लोग पहुँच गए वेगस मॉल, गाड़ी पार्क लगा के चलते अपना मूवी देखने। हाँ भाई, अरे सब को ले तो लिया, चीनू अंदर छोड़ दी, वो वहां रहेगी, इसको तो निकाल लो। वैसे भी इसको लाने का कोई प्लान नहीं था। चलो बाय मम्मा, आ जा, देर होने लगी रोतड़ी। अभी देखो बाहर निकलेगी तो आंखों में आंसू पड़ेंगे। मम्मा मम्मा यार देखना, मैं और चीनू ही सबसे अजीब लग रहे हैं। ऊपर का टॉप इसका सही है, मैं घर के कपड़ों में। कर दे बंद। तो गाइस हम पहुंच गए हैं और अभी चलते हैं अपनी मूवी देखने के लिए। और ये बताना तो भूल ही गई कि मूवी कौन सी है, तो वही बताऊंगा अभी। तो गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं रणवीर सिंह वाली जयेश भाई जोरदार, यही नाम है ना उसका, पता नहीं एग्जैक्ट क्या नाम है, जो भी है, मतलब जो रणवीर सिंह की नई मूवी आई है वो देखने जा रहे हैं। चले रणवीर सिंह की है, जयेश भाई जोरदार यही नाम है ना उसका, यही नाम है ना, जयेश भाई जोरदार। मैंने तो सुना ही आज है, मेरे को नहीं पता, मैंने मेट्रो में पोस्टर देखा था एक दिन उसका। क्या नाम? चलो चलो चलो। ए चीनू घोड़े पे बैठेगी आज भी? हैं? नहीं क्यों?
ये बैठने का नहीं होता। तो भाई हम सब ऐसे ही आ गए चप्पलों में, मुंह उठा के। चीनू भी और स्वाति भी, सिब्बू भी, और सब चप्पलों में आ रखे ऐसे। डेली का काम हो रहा है ना मूवी देखना, कौन डेली तैयार होके मूवी देखने आएगा? ऐसे ही आगे उठ के बिना नहाए धोए। चीनू भी नहीं नहा रही। नहाई हूं मैं। चलो चलो, कुछ खाया नहीं हमने बाहर। ये खा ले, ये खा ले। फूस खा लो फूस। चीनू चीनू की फेवरेट डिश मैं कैसे खा सकती हूं? ओरिजिनल है। और क्या, इंडोर वाला प्लांट है ना। ये खाना है क्या? टिक्की ट्विस्ट। ऐसे कौन करता है? ये देखो भाई, लोग इतने बदतमीज है, यहाँ फ्लावर प्लांट के में भी कूड़ा डाल दिया। अगर ये ब्लॉग देख रहा होगा ना वो, तो भाई बहुत गलत बात है। सुधर जाओ। नाम भी लिख रखा पत्ते पे अपना। वाह, राहत 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 राहत, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा होगा ये भाई, बहुत गलत चीज है। इसको भी खराब कर दिया पत्ते को। दीवारों पे नाम लिख जाते हैं जब नई नई बनती है दीवार या रोड। ये भाई चीनू टर्की आइसक्रीम खाने आ गई। हेजलनट पिछले ब्लॉग में, पापा के बर्थडे वाले ब्लॉग में बोला था। क्या बोला था? ऐसे करना, ये पकड़ ना पाए और इसको देनी नहीं है लास्ट तक। पापा के साथ में करवा दिया, उसको भी खिला दिया, उसको भी पकड़नी है। टर्की से आइसक्रीम चैलेंज है। ले, होता क्या है ऐसे इसमें। रेडी चीनू? ले ले। पकड़े, अब कह रही थी पकड़ूंगी मैं। मिल गया आइसक्रीम। ले जा खाली, कौन खा लियो। मिल गई नहीं, तरस खा के दे दी अब तेरे को लास्ट में। फाइनली आइसक्रीम मिल गई, अब ये मैं खाऊंगा, अब ये मेरी। मुझे भी तो टेस्ट करा, तेरे को खेलना था ना बस। तो भाई अभी चीनू ने टर्की आइसक्रीम वाले के साथ वो ऐसे ऐसे किया, पकड़ भी नहीं, एक बार भी नहीं पकड़ भाई। वैसे ही बकवास कर रही थी कि मैं पकड़ लूंगी, मैं पकड़ लूंगी। मैंने बोला है नहीं पकड़ लूंगी। तूने बोला था? नहीं बोला, मैंने बस बोला था मैं यूं करूंगी। तूने बोला था तू पकड़ लेगी। तो अभी बस थोड़ा बहुत कुछ खा के हल्का फुल्का, क्योंकि सबको भूख लगी है। यहाँ सामने फूड कोर्ट है, यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत लेके खाना खा के अभी हम जाएंगे मूवी देखने। अभी से 15-20 मिनट बाद का शो है भाई। अभी हमने यहाँ से वेज वूपर लिए है सबके लिए, बर्गर किंग से, और मैंने लिया है वो वाला शेक, क्रीमी शेक। इतना मुंह भर लिया है, मुंह चल नहीं रहा है देखो। तो सोचते हैं कि बार डाल दूं सारा, पागल गई है। ए सिब्बू पे गई है तू खाने के मामले में? इंस्टा पे इंस्टा पे गई है कुछ भी खाने को चाहिए बस। इंस्टा को कहते हैं सिब्बू पे गई है और चीनू को कहते हैं इंस्टा पे गई है। इट्स अ साइकिल। पर आप अच्छा बनाते हो, इसलिए मैं तीन खा जाती हूँ। मैं बड़ा चार पर आज तो दो ही खाई थी। तीन खाई, एक बाद में भी ले गई थी मैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा। मम्मी साइड ले रही है आपकी, इसको देख लो कह रही। मैं भी तो दो ही खाती। देखो देखो, रचित के फैंस मिल गए। रचित तुम जहाँ जाते हो वहीं तुम्हारे फैंस मिल जाते हैं। अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है, फैन मिलते जा जाते हैं। बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है। बर्गर किंग वाले। अरे भाई हमारे बर्गर भी बना दो। नहीं नहीं बन रहे हैं, बर्गर बन रहे हैं। आप दे दिया सबके बन रहे हैं, आप बर्गर बन रहे हैं। पापा देते हैं मूवी में, सो जाएगी हमारे बर्गर जल्दी दे दो। बन रहे हैं बर्गर। चीनू रो के तो दिखा दे एक बार। अब रोने की बात नहीं, 10-50 अच्छी से बुलवा के बुलवाओ। चलो ये शर्त लगाओ। शर्त लगी किस चीज की बताओ? शर्त लगाओ जल्दी। आपका फोन 3 घंटे के लिए मैं चलाऊंगी और मैं रात चला, ठीक है? किस चीज के लिए? अभी बताती हूँ, चलो साइड में आओ। क्या? इधर आओ, इधर आओ। अरे ये नहीं हो रही,
रचित देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ, की मत सुनना कुछ भी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इंस्टा की कसम है, इधर आओ, तेरे को मेरी कसम है भैया। सबका खाना आ गया और मेरा शेक आ गया है, सब बर्गर बर्गर खा रहे हैं। मैंने नहीं मंगाया अपना, मेरा पेट भरा हुआ है, इसमें से ले ले, थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा बस। की मंगल गोले पर क्या है और हमारा परिवार अभी भी इसी गोले पर अटका है। तो भाई अभी इंटरवल चल रहा है मूवी का, तो भाई हमने जितनी मूवी देखी अभी तक बहुत बढ़िया लगी, अभी इंटरवल खत्म होते ही बाकी की बची हुई मूवी भी देखेंगे। तो चलो यार व्यू पर ही चलते हैं वापस। तो भाई मूवी देख लिया हमने सब ने और अभी जा रहे हैं घर पे, और घर पे इंस्टा खेला है तो देखते हैं इंस्टा कैसे, इंस्टा इंस्टा सही होगा ना, पीछे नहीं जा रही, इंस्टा जाते ही चिपटेगा सबके। अब तो गाइस हम सब लोग वापस आ गए हैं, कितनी छिपकलियां हैं, एक दो तीन चार, चीनू की इतनी सारी फ्रेंड्स, चीनू के साथ डेली रहती हैं। और देखते हैं इंस्टा क्या कर रहा है। इंस्टा ने पूरा घर का ख्याल रखा, तो भाई अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, चले सिब्बू बैठ, बाय बाय बाय, इंस्टा को देखना चाहती हूं, क्या करेगा इंस्टा, बाय बाय कर दे इंस्टा, बाय इंस्टा, तो हमारे साथ ही जाएगा इंस्टा, कहां गई, कहां गया, बाय बाय, चल आ जा आ जा, रोएगा वरना फालतू में, चल पीछे तो कर लो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए वापस से, तो चलो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अभी इंस्टा भी बहुत थक गया है और सिब्बू को भी एडिटिंग करनी है और मेरे को भी व्लॉग एडिट करना है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बाकी कल 10 बजे सुबह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय गाइस, लव यू एंड टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बाय बाय।